कि भाजपा से बेटी बचाओ और भाजपा इस देश से हटाओ। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस देश में आपातकाल की स्थिति है, इस देश की न्यायपालिका और लोकतंत्र के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस जो है सबको डिटेन करना शुरू कर दी, मारपीट लाठीचार्ज की। बृजभूषण शरण सिंह जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है, मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है। दिल्ली पुलिस का आदमी जो वर्दी में था वो दौड़ कर आया और उसने माँ बहन के पहलवानों को, महिला पहलवानों को अभद्र टिप्पणियाँ की, गालियाँ देना शुरू की। देश की महिलाओं की अस्मिता, इस देश की महिलाओं की इज्जत आबरू खतरे में है। शिलाजीत की रोटी खाते हो या किसकी रोटी खाते हो, लेकिन तुमको जेल की रोटी हम ज़रूर खिलवाएंगे। इसके रावण राज का अंत बहुत नज़दीक है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी है। इस मामले पे बातचीत करने के लिए लगातार आप खबरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से महिला पहलवान धरने पे बैठी हुई है, उनके साथ किस तरह से शोषण हुआ है। अतुल जी से हम बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है, इन बेटियों को कब तक न्याय मिल जाएगा। सर देखिए, बंदूक के दम पर जी, पुलिसिया दमन के दम पर ये सरकार चल रही है इस देश में। इस देश में आपातकाल की स्थिति है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कितने शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जो पीड़ित पक्ष है, जिसके साथ यौन शोषण हुआ है, जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसको दबाया कुचला जा रहा है, उल्टे पुलिस ही बदतमीजी कर रही है, पुलिस ही गाली गलौज कर रही है। कल शाम को 10:30 बजे जिस तरीके से यहाँ पूरा जो है खौफनाक माहौल बनाया गया, और हम जो है यहीं बैठे हुए थे क्योंकि बारिश हो रही थी लगातार। कल से दिल्ली का मौसम ऐसा ही है, दिन भर बारिश हुई, रात में भी बारिश हो रही थी, तो गद्दे हमारे भीग चुके थे। तो हमने जो है बाहर से बेडिंग मंगाया था जिससे कि हम आराम से उस पर सो पाते। दिल्ली पुलिस ने अलाउ भी किया। तो सर इस बीच में कैसे मारपीट या झड़प हो गई, किस प्रकार की घटना हुई? वही मैं कह रहा हूँ, अलाउ भी किया दिल्ली पुलिस ने, बैरिकेटिंग को खोला भी, और उतने ही देर में पता नहीं क्या हुआ, वॉकी टॉकी पर सूचना दिया यहाँ के एसओ ने, और उसके बाद से तो ऐसा लगा कि ये हमारी जान ले लेंगे। कौन इसके लोग, रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा, जब दमन करने के लिए पूरे, और फिर अफरा तफरी मची, गाली गलौज। एक दिल्ली पुलिस का आदमी जो वर्दी में था वो दौड़ कर आया और उसने माँ बहन के पहलवानों को, महिला पहलवानों को अभद्र टिप्पणियाँ की, गालियाँ देना शुरू की। उसके बाद से फिर जो है बहन विनीशा को धक्का मारा गया, उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई। मुझे यहाँ कंधा पे जो है बैरिकेटिंग लगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये पुलिस के बूट का निशान है जो पैर पेट पे लगा है। आप ये देखिए ना कि बृजभूषण शरण सिंह जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है, मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है और अश्लील जो है कमेंट्स कर रहा है, महिला पत्रकारों की इज्जत को उछाल रहा है, जबकि मामला जो है न्यायालय के अधीन है। ये शर्मनाक है। इस देश की जो जुडिशरी है उसकी धज्जियां उड़ाना है, इस देश की न्यायपालिका और लोकतंत्र के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और पता नहीं क्या हुआ, फिर वो पुलिस जो है सबको डिटेन करना शुरू कर दी, मारपीट लाठीचार्ज मारना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अभी यहाँ पे आई हुई थी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, रात भर स्वाति मालीवाल को अरेस्ट किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन अपने जो है बहनों बेटियों खिलाड़ियों से मिलकर ही जाएंगे, और वो अडिग रही। बाद में समर्थन मिला और हम लोगों ने भी आग्रह किया तो उनको यहाँ पे अंदर आने दिया गया। आज ही पूछना पड़ेगा इस देश की जनता से, जिस देश में लोकतंत्र है, जहाँ बाबा साहेब द्वारा दिया हुआ इतना बड़ा संविधान है, उस देश में किस तरीके से तानाशाही हावी हो रही है। और अगर इस देश में बोलने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, प्रोटेस्ट की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, और अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी ख़त्म हो गई, तो लोकतंत्र मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी दुनिया में हम अब पार्शियल डेमोक्रेसी हैं, हम डेमोक्रेसी नहीं हैं, आंशिक तौर पर जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की प्रधानमंत्री दुहाई देते हैं बड़े बड़े मंचों से, उनको हम बता दें कि हम लोकतंत्र जो है
आंशिक रूप से लोकतंत्र हो गए हैं। और ये खतरनाक है बहन बहन, ये खतरनाक है जिस तरीके से। और बृजभूषण शरण सिंह को बजाय पकड़ने को, उस अपराधी को गिरफ्तार करने को, उल्टे पीड़ित पक्ष की तरफ जो है सरकार जो है वो तानाशाही और दमन कर रही है। ये आप अभी आप कह रहे थे कि 3 महीने की रिपोर्ट का हम क्यों नहीं जो है समर्थन करें, इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सत्ता के ही बैठे हुए लोग बार बार दबाव का डाल रहे, बार बार भड़का रहे, धमका रहे हैं, पैसों से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। वही सत्ता पक्ष कहता है कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। शर्मनाक है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा से बेटी बचाओ और भाजपा इस देश से हटाओ, क्योंकि अगर भाजपा रही तो इस देश की महिलाओं की अस्मिता, इस देश की महिलाओं की इज्जत आबरू खतरे में है, क्योंकि इन्हीं के मानसिकता के लोग आज बृजभूषण शरण सिंह कौन है? भाजपा का है। आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ का है? भाजपा का है। आपने देखा बिल्किस बानू के जो बलात्कारी हैं वो किस पार्टी से हैं? कठुआ के जो रेपिस्ट हैं वो किस पार्टी से हैं? आज आपको समझना पड़ेगा जिस तरीके से महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता इस देश में जन्म ले रही है, ये इस देश के आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरनाक है, खतरनाक है। और बृजभूषण शरण सिंह जो अपराधी है, जिसके ऊपर पॉस्को की धाराओं में मुकदमा है, पॉस्को की धाराओं में जिस पर मुकदमा होता है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, आज ये बृजभूषण इस देश की न्याय व्यवस्था से बड़ा हो चुका है, आज इस देश की न्यायपालिका से बड़ा हो चुका है, इस देश के संविधान से बड़ा हो चुका है, ये खतरनाक। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है इतना बड़ा, ये महिला खिलाड़ी आरोप लगाई है, उसके बाद भी टीवी मीडिया उनको चैनलों पर बुलाती है और उनसे इंटरव्यू लेती है, और वो इंटरव्यू में कहते हैं मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं, इस पे क्या कहेंगे? ये शर्मनाक है। मैं ये नहीं जानता कि बृजभूषण शरण तुम किसकी शिलाजीत की रोटी खाते हो या किसकी रोटी खाते हो, लेकिन तुमको जेल की रोटी हम ज़रूर खिलवाएंगे। और जब तक ये अपराधी जेल नहीं जाता है, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और वही मेनस्ट्रीम मीडिया कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्योंकि अभी हमारी बहन बेटियों, आपकी बात है, मेरी भी बहन है, इस देश की करोड़ों महिलाओं की अस्मिता की बात है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम मर जाएंगे, हमें कुचल दिया जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसके रावण और इसके रावण राज का अब अंत है, क्योंकि ये सतचंडी जाग चुकी है। जो 7 महिला पहलवान हैं वो सत दुर्गा हैं, और इस महिषासुर का भी वध ये सतचंडियाँ करेंगी, और आप देखेंगी कि इसके जो पाप का घड़ा भर चुका है अब वो फूटेगा, इसके रावण राज का अंत बहुत नज़दीक है, इसलिए ये बिलखिलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, और जो है जा करके तमाम मीडिया चैनलों पर, ये शर्मनाक है। ये जो मोदी जी, इसने तो कहा है कि मोदी जी अगर कह दे, अमित शाह कह दे तो इस्तीफा दे दे, क्या इस देश के प्रधानमंत्री कहेंगे बृजभूषण से कि इस्तीफा दे दे? क्या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे कि बृजभूषण? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इन्हीं के विचारधारा का व्यक्ति है। आप देखेंगे कि झड़प में चोट भी लगी है, जो खिलाड़ी के भाई हैं, वेनिस के भाई हैं, राहुल सुराना है, उनके जो है कंधे पीठ और सर फटा है, उनके फोगाट के जो है उनके भाई हैं, साक्षी के भाई हैं, उनको चोटें आई हैं, उनका टाका लगा है, बहुत लोगों को चोट लगा है, बहुत लोगों को ये बताया जा रहा है, उनको अभी पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि अब हमें, हम जो बार बार कह रहे थे कि हमें पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है, हम बार बार आप लोगों से कह रहे थे कि आयोग से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, वो आज सच साबित हो रहा है, क्योंकि सत्ता में ही सरकार ही नहीं चाह रही है कि इस देश की बेटियों को न्याय मिले। आपने देखा किस तरीके से बिल्किस बानू के बलात्कारियों को संस्कारी बता करके छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, ये शर्मनाक है। और इस तरीके का जो माहौल इस देश में बन रहा है महिला विरोधी, ये आप देखेंगी कि इस देश में महिला अपराधों को जन्म देगा और इस देश में अराजकता का माहौल होगा, क्योंकि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जिस देश में महिला पूजनीय नहीं है, उस देश में न तो कभी समरसता आ सकती है, ना उन्नति आ सकती है, और ना ही जो है
प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, इसलिए ये खतरनाक है, उस देश की बेटियों की लड़ाई है। जब महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को डिटेन कर लिया गया तो और महिलाओं को आप कैसे देखते हैं, जबकि वो एक पावर में है, पद में है, स्वाति मालीवाल अध्यक्ष है महिला आयोग की। देखिए शर्मनाक है, हम तो कह रहे हैं, जब आपने देखा किस तरीके से पुलिस की इतनी कड़ी सुरक्षा में इलाहाबाद में किस तरीके से गोली मार दी जाती है, इतने बड़े कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया जाता है, आज किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां ये अपराधी जो ब्रजभूषण है वो किस तरीके से मीडिया में घूमकर जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, तो जंगल राज है, अपराधी बेखौफ हैं, कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस देश में रक्षक ही भक्षक बन चुका है और आपातकाल का माहौल है। ये आपातकाल के माहौल से कम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्टिविस्टों को, पत्रकारों को जो है NSA लगाया जा रहा है, देशद्रोही आतंकवादी जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से चिन्हित करके कार्रवाई करके उनका दमन किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश हिटलर शाही और तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, ये खतरनाक है बहन, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के गंगा जमुनी तहजीब के लिए। इस देश में जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से एक संकीर्ण एजेंडे को साधा जा रहा है चंद वोटों के लिए, चंद जो है राज्यों में सरकारें बनाने के लिए और लोगों के घरों को जला करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस देश में सिविल वॉर की सुगबुगाहट है। और आप देखेंगी कि अगर ये विचारधारा जो सत्ता में है अगर ज़्यादा दिन तक रही तो इस देश में जो है अराजकता होगी। तो देख सकते हैं हमारे साथ युवा थे, पूरी घटना बताई कि रात में क्या क्या हुआ। वहीं पे आप दूसरी तरफ देखिए कि जो खिलाड़ी थी उनके भाई को चोट लगी है, आरोप है कि पुलिस वालों ने मारपीट की है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।